हाय फ्रेंड्स, तो केदारनाथ का दर्शन करने के बाद अभी जो हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को सारा कुछ दिखाने वाले बद्रीनाथ के बारे में और सारा कुछ वीडियो के लास्ट में बता भी देंगे कि हम लोग कैसे यहां तक पहुंचे और कितना खर्चा हुआ। हालांकि यहां बहुत ज़्यादा ठंड है और हमको लगता है ऑक्सीजन की भी कमी है क्योंकि सांस फूल रहा है। और मौसम तो कितना बदल चुका है देख सकते हैं, जब हम लोग सुबह पहुँचे थे 12-1 बजे के करीब तो मौसम फ्रेश ही था, हल्का हल्का ख़राब हो रहा था, लेकिन अभी शाम होते ही पूरा ख़राब हो चुका। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो ब्लॉग है ये आप लोग काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार है तो, और बगल के बेल आइकन को भी टच कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले ऐसे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। तो अभी जिस जगह से फिलहाल मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ देख सकते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल सिर्फ व्यू पॉइंट। यहाँ बगल में नदी बह के आ रही है और वो जो पीछे वो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है वही बद्रीनाथ मंदिर है। और जहाँ हम खड़ा है ये शायद सिख लोगों का रुकने का जगह है। हालांकि अगर आप यहाँ आते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप होटल ना ही ले तो बेहतर है क्योंकि होटल काफ़ी महंगे हैं। हम लोगों ने पूछा था तो 7,000 का डिमांड किया था एक होटल का 4 बेड का। और यहाँ बहुत सारे जो है ना सेवा संघ वाले हैं जिन्होंने अपना गेस्ट हाउस बना के रखा है, वो आपको 400-500 रुपये में 4 बेड 5 बेड दे देंगे, 2 बेड दे देंगे। तो हम लोगों ने हालांकि 4 बेड लिया तो 1,000 रुपये पड़ा। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, बहुत सारे मतलब ऐसा भवन यहाँ पर अवेलेबल है और बहुत कम में आपको हो जाएगा। 7,000-6,000 के जगह 1,000 रुपये में आपका काम बन सकता है अगर 4 आदमी हैं तो। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मंदिर की ओर और जो भी है यहाँ का सीनरिटी वो आपको दिखाते हुए चलेंगे हम लोग। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे ही दोस्तों हम लोग नदी से आगे की ओर बढ़े हैं तो सामने एक बहुत बड़ा सा झरना दिखाई दिया है। तो जा रहे हो झरना की ओर, देखिए इस रास्ते से। तो अगर आप लोग आते हैं तो इस झरना को आप लोग भी देखने आइए। रास्ता में दिखाते हुए चल रहे हैं, एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ से शायद बहुत अच्छा पिक आए। तो चलिए वहाँ चलते हैं फिर आप लोगों को वहाँ से दिखाते हैं। एक सेल्फी पॉइंट है और यहाँ से शायद आगे जाने का जो परमिशन नहीं है इसलिए हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं और आप लोगों को यहीं से हमको दिखाना पड़ेगा वीडियो या इस झरने को। इससे ज़्यादा का हम कुछ मतलब सामने नहीं जा सकते हैं क्योंकि बैरिकेडिंग लगा दिया गया, देख सकते हैं आप। वैसे तो दोस्तों शायद यहाँ आना मना है, कहीं लिखा हुआ तो नहीं था कि यहाँ आना मना है, लेकिन बैरिकेडिंग लगा हुआ था, घेर दिया गया था। तो हम सोचे आगे शायद नहीं जा सकते हैं लेकिन फिर भी हम लोग आ गए हैं। कोई दोस्त और मेरे हैं पीछे दिखाई पड़ रहा होगा, वो लोग भी आए हैं और सामने से आपको दिखाने सकते हैं इस झरना का दृश्य है। तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो इसको भी एक बार जरूर विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि आप और 2-4 सेल्फी भी हो तो ज़रूर खींचे क्योंकि वाकई में बहुत अच्छा जगह है। यहाँ से जो है वो आपको झरना का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत काफ़ी बेहतरीन लगेगा। साथ में जैसे पीछे घूमते हैं तो इधर बद्रीनाथ का सारा टाउन आपको नज़र आ जाएगा, जितना भी यहाँ लॉजेज हैं, होटल है या जो भी है, यहाँ का गांव भी है शायद, वो सारा कुछ आपको दिखेगा और माउंटेन का तो बोलिए मत। हम लोग देख सकते हैं पीछे जो है बद्रीनाथ का मंदिर है, यानी हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं।
तो आप लोगों को ये वीडियो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ जो भी यहाँ का व्यू था वो आप लोगों को दिखा दिया इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो था ये आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब यहाँ के बारे में बताते हैं कि अभी काफ़ी लंबी लाइन है, वो पीछे जो दिख रहा है वो भीड़ है आदमी को पूजा देने के लिए। और ये आज यहाँ का भी जो लाइन है वो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का है, तो हम लोग तो आज पूजा नहीं कर पाएंगे क्योंकि भीड़ ही इतना है। तो कल देखेंगे अगर होता है तो, और अंदर चूँकि कैमरा ले जाना मना है तो हम अंदर का वीडियो आप लोग दिखा भी नहीं सकते हैं। बाकी यहाँ का क्राउड दिखा देंगे, जो यहाँ सेल्फी पॉइंट है बोल सकते हैं, यहाँ सभी लोग अपना अपना फ़ोटो ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग था कि आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैं यहाँ तक बता देता हूँ कि यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे। तो एक्चुअली मैं रूट प्रयास से जो है हम लोगों ने शेयर गाड़ी ली, हालांकि बस में किराया 350 रुपया है, लेकिन ऐसा हम लोगों के साथ नहीं हुआ क्योंकि बस बहुत कम है तो नहीं मिल पा रहा। तो हम लोग ने शेयर में बोलेरो लिया और बोलेरो का भी किराया 400 से 450 के आसपास है, लेकिन अभी ब्लैक कर रहे हैं सारे, चूँकि तीर्थयात्री काफ़ी ज़्यादा पहुँच रहे हैं तो ब्लैकिंग में हम लोगों को 800 रुपया पड़ा। अगर आप लोग आते हैं तो 1000 या 1100 रुपया वो लोग बोलेंगे, लेकिन आप लोग इसको मेकअप करने की कोशिश कीजिए, उम्मीद है कि 800 रुपया या 750 रुपया में ही वो लोग मान जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन था आज के इस ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो था ये काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे खूबसूरत ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ।